आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम एनआरएफ से रेल हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए ट्रेन हादसे पर कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, कल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि क्षेत्र प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना करते हुए पूछा कि रेलवे कब नींद से बाहर आएगा। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया, एक और विनाशकारी रेल टक्कर, इस बार आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में, जिसमें 2 यात्री ट्रेनें शामिल थीं और अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 से अधिक लोग घायल हो गए। ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर, डिब्बों का पटरी से उतरना, असहाय यात्रियों का डिब्बों में फंसा होना और भाग्य के आगे झुकना, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दोहराव वाला घटनाक्रम बनता जा रहा है। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की और तत्काल बचाव कार्यों और जांच की मांग की। इस हादसे को मिलाकर इस साल 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। इससे पहले ओडिशा के बालासोर और बिहार के बक्सर में रेल हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए थे। रेलवे जहां इतनी तरक्की कर रही है, वहीं एक के बाद एक हो रहे हादसों ने देश को दहला दिया है। केंद्र सरकार भी इससे सकते में है। आशंका ये भी लगाई जा रही है कि भारतीय रेलवे शायद किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही है। इसकी एक या दो नहीं बल्कि कई वजह हैं। इन वजहों पर गौर करें, उससे पहले सभी रेल हादसों पर आइए नजर डाल लेते हैं। 2 जून को हुए बालासोर ट्रेन हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकराई थीं। इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1,208 यात्री घायल हुए थे। इस हादसे की जांच सीबीआई कर रही है। रेलवे की ओर से की गई जांच रिपोर्ट में सिग्नलिंग और दूरसंचार विभाग की खामियों को उजागर किया गया है। वहीं बक्सर में 11 अक्टूबर को दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 यात्री घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की वजह से 52 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। बालासोर रेल हादसे को लेकर रेलवे ने जो जांच की है, उसमें मानवीय चूक और कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिए जाने की बात कही गई है। सीबीआई को भी जांच के दौरान इंसानी छेड़खानी के ही सबूत मिले हैं। वहीं बक्सर रेल हादसे में भी मानवीय गलती की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पटरी में खामी की वजह से ट्रेन बेपटरी हुई। अब विजयनगरम रेल हादसे में भी मानवीय गलती की बात सामने आई है। ये तीनों हादसे शाम या रात के अंधेरे में हुए हैं, इससे भी किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसके अलावा देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव नजदीक आता है तो वैसे भी इंटेलिजेंस एजेंसियां आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी करती हैं। ऐसे में इन रेल हादसों को लेकर भी एक शंका हो रही है। बहरहाल इन रेल हादसों की जांच हो रही है, कुछ जांच रिपोर्ट आ गई है और अब जो ये विजयनगरम में रेल हादसा हुआ है, इसको लेकर भी अब जांच कमेटी गठित की गई है और इसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार होगा और पता चलेगा कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई और जो दुर्घटना हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिनकी जिम्मेदारी तय होती है तो उन्हें क्या सजा दी जाती है, और साथ ही ये भी कि जो खामियां इन दुर्घटनाओं से निकल कर आती हैं, जांच रिपोर्टों से निकल कर आती हैं, क्या उन खामियों को, उन समस्याओं का समाधान भी होता है या नहीं।